आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बड़ी संख्या में आज इस हॉल में वकील साथी मौजूद हैं, आप सब लोग आए समय निकाल के, अपना कीमती समय निकाल के, मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वकील बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, और सारे वकील अगर इकट्ठे हो जाएं और ठान लें तो किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं और किसी भी पार्टी को हरा सकते हैं। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। जब हम अपना पहला चुनाव लड़े थे दिल्ली में, तो कुछ ऐसा संयोग बना कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में किरण बेदी को अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। किरण बेदी से वकीलों का कोई पुराना लफड़ा था, कोई कभी किरण बेदी जी पुलिस में थी, कोई कभी वकीलों के प्रोटेस्ट पे उन्होंने लाठी चार्ज वगैरह कराया था कई साल पहले, तो तब से वकील उसको अपने मन में लेके बैठे थे कि इनको सबक सिखाएंगे। तो जब बीजेपी ने डिक्लेयर किया किरण बेदी जी को अपना सीएम कैंडिडेट, तो सारी अलग अलग बार के लोग मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा, सर हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम इनको हराएंगे। और सारे वकील इकट्ठे हो गए दिल्ली के, और उन्होंने अपनी टीम्स बनाई, जाके डोर टू डोर प्रचार किया, और किरण बेदी जी खुद, उनकी सीएम कैंडिडेट भी हमारे एक छोटे से नेता से हार गई। तो आज अब 2 महीने के बाद चुनाव है, मैं लीपापोती नहीं करूंगा, सीधे बोलूंगा मैं आप लोगों का समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आप लोगों से सहायता मांगने के लिए आया हूं। अगर गुजरात के सारे वकील इकट्ठे हो जाएं, वकील जो है उनका वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, जो बोलते हैं आपस में, बोलते हैं 10 लोगों से बात करते हैं, दिन में इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, सबसे बात करते हैं, वो वर्ड ऑफ माउथ बड़ा स्ट्रांग होता है। अगर सारे वकील इकट्ठे हो जाएं, सारे वकील साथ दें, तो 27 साल का भाजपा का शासन खत्म हो सकता है और गुजरात के अंदर भी एक ईमानदार आम आदमी पार्टी की सरकार आ सकती है। आप पूछेंगे आपको वोट क्यों दें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको आम आदमी पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए। सबसे पहले तो वकीलों के लिए दिल्ली में हमने क्या किया, दिल्ली में हमारी सरकार आने के बाद वकीलों के साथ हमारी सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई। अभी तक मैं ये समझता था कि दिल्ली के अंदर हमने वकीलों के लिए जो किया वो सबसे बेस्ट किया। अभी अभी मुझे पता चला शायद केरला वाले हमसे 2 कदम आगे निकल गए हैं। मेरे को केरला की स्कीम के बारे में पता नहीं था। एक तो हमने वकीलों की डिमांड थी कि उनके चैम्बर की बिजली फ्री की जाए, हमने वकीलों के चैम्बर की बिजली फ्री कर दी। मुझे लगता है ये शायद पूरे देश में अकेला दिल्ली है जहाँ पे वकीलों के ऑफिस के जो चैम्बर्स हैं, जो कोर्ट के जो चैम्बर्स हैं, उनकी बिजली फ्री है। दूसरा, उनकी 2 डिमांड्स और थी, एक था लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा था हेल्थ इंश्योरेंस। उसके लिए हमने अपने हिसाब से बहुत ही लिबरल पॉलिसी बनाई थी। 10 लाख रुपए का हमने लाइफ इंश्योरेंस करवाया, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। तो जो डिमांड्स आई हैं मेरे पास, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कई सारे लोगों ने कहा इसे, और आपके साथ आप लोग बता रहे हैं कि उसका ड्राफ्ट ऑलरेडी रेडी है, उसको ड्राफ्ट को और अगर स्ट्रेंथन करने की जरूरत हुई उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। और केवल मुझे लगता है कानून पास करने से नहीं होगा, उस कानून को पुलिस मशीनरी के साथ भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो जो भी व्यवस्था बनाने की जरूरत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वकीलों के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर काफ़ी अटैक होते हैं, जब भी कोई उनसे सेटिस्फाई नहीं होता तो उनके ऊपर अटैक होते हैं, इसको बंद होना चाहिए, ये पूरी की पूरी प्रथा बंद होनी चाहिए। तो एडवोकेट्स के प्रोटेक्शन के लिए कानून लाया जाएगा और पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी। एक है, नए एडवोकेट्स को 5,000-5,000 रुपये मिलना चाहिए, केरला ऐसा देता है। मैं केरला की स्कीम को स्टडी करूंगा, ये वहाँ पे भी डिमांड थी, केरला की स्कीम को स्टडी करूंगा, और उसकी स्कीम को स्टडी करने के बाद आपको एश्योर करता हूँ कि उनसे बेहतर स्कीम आपके यहाँ लागू करेंगे। एक अरविंद ठाकुर जी ने कहा कि चैम्बर्स की कमी है, चैम्बर्स और बनने चाहिए, लोग बाहर बैठते हैं, ज़रूर और चैम्बर्स बनाएंगे। इन चीज़ों में ज़्यादा खर्चा नहीं आता, मैंने देखा है। जैसे
हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस देने का टोटल खर्चा दिल्ली सरकार का 40 से 50 करोड़ रुपए साल का आता है। 40-50 करोड़ रुपए किसी भी बड़ी सरकार के लिए कोई बहुत छोटा सा अमाउंट है। इसीलिए ये जितनी आपकी डिमांड्स हैं, इन डिमांड्स के कोई इम्प्लीमेंट करने में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक किसी ने कहा, एक 169 एडवोकेट्स का कुछ मामला वो अटका हुआ है, आपके पक्ष में निर्णय लेंगे हम लोग। लेडीज अपने बच्चों को छोड़ के आती हैं, मैडम ने बोला था कि, तो उनके लिए क्रैश, उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। ऐसी सुविधाएं करेंगे कि आपको पसंद आएगी, ऐसा नहीं होगा कि लीपापोती करेंगे। हम जो भी करते हैं दिल से करते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी खासियत यही है कि जो करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन लास्ट तक हम इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। एक डिमांड है सबकी कि 10 साल पूरे होने पे ऑटोमेटिक नोटरी का वो मिलना चाहिए। ज़रूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक मेरे मन में पीड़ा रहती है, और चूंकि आप सब वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ। मैं गुजराती बहुत ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन मैं सुन रहा था, ईशुदान भाई ने उसको थोड़ा सा आपके सामने रखा था कि आज़ादी के 75 साल हो गए। 75 साल किसी भी देश के इतिहास में कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं होता, लेकिन कोई बहुत छोटा पीरियड भी नहीं होता। इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए? हमारे में क्या कमी है? इंडियंस में क्या कमी है? मैं हमेशा कहता हूं कि जब भगवान ने सृष्टि बनाई, इंसान को बनाया, तो सबसे इंटेलिजेंट और सबसे मेहनती लोग उसने भारत में बनाए। इंडियंस सबसे इंटेलिजेंट है। आप पूरी दुनिया में कहीं उठा के देख लो, ये कंपनी, वो कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जितनी है, ऊपर नंबर 1, 2, 3 कहीं ना कहीं आपको एक इंडियन बैठा हुआ मिलेगा। हमारे देश के अंदर सिस्टम इतना खराब है कि हमारे देश में आते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। हम पीछे क्यों रह गए? भगवान ने इंडिया को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भगवान ने पृथ्वी बनाई तो सबसे खूबसूरत जगह भारत को बनाया, सोने की चिड़िया, पहाड़ दिए, नदियां दी, जड़ी बूटियां दी, सारी फसलें दी, सारे मिनरल ओर्स दिए, समुद्र दिया, क्या कसर छोड़ी भगवान ने? कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर हम पीछे क्यों रह गए? हमारे बाद कई देश हमारे बाद आज़ाद हुए, वो हमसे, सिंगापुर 15 साल बाद आज़ाद हुआ, वो हमसे आगे निकल गया। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, वो हमसे आगे निकल गया। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमसे तहस नहस हो गया था, वो हमसे आगे। हम पीछे क्यों रह गए? हमारे में क्या कमी है? मुझे ये लगता है कि एक चीज ऐसी है, बहुत कुछ करने की जरूरत है, एक चीज ऐसी है जिसे अगर हम वॉर फुटिंग के ऊपर करें, मिशन मोड में करें, तो भारत को बहुत जल्दी गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। भारत एक अमीर देश बन सकता है, डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, और वो है शिक्षा। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, या भाषण के बेसिस पे नहीं कह रहा। आज जब मैं कहता हूं कि मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, फ्री में शिक्षा दूंगा, तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा देना फ्री की रेवड़ी नहीं है। अच्छी शिक्षा देना और फ्री शिक्षा देना राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा काम है। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली में सरकारी स्कूलों के अंदर, कोई भविष्य नहीं था इनका। दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, डेस्क थे नहीं, जमीन पे बैठते थे, रिजल्ट सारे फेल होते थे बच्चे। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों को हमने शानदार बना दिया, प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा अच्छे हो गए हैं सरकारी स्कूल। पिछले साल 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। ये चमत्कार से कम नहीं है। मैं एक क्लास में गया, मैंने क्लास में बच्चों से पूछा कि आप में से कौन कौन प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आया है, तो कुछ बच्चे खड़े हुए। फिर मैंने एक बच्चे से पूछा, कौन से स्कूल से नाम कटा के आया? उसने कहा सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस
दिल्ली का सबसे बढ़िया प्राइवेट स्कूल माना जाता है। लोग उसमें एडमिशन कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें होती हैं वहाँ पे। सेंट कोलंबस का बहुत बड़ा नाम है दिल्ली के अंदर। सेंट कोलंबस से लोग अपना नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल के अंदर अगर भर्ती करा रहे हैं, इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या मिलेगा। पिछले साल दिल्ली के हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% बोर्ड के पेपर में नतीजे आए हैं। अब हमारे जो बच्चे निकल रहे हैं, किसी का एडमिशन की इस आईआईटी में हो रहा है, किसी का इंजीनियरिंग में हो रहा है, किसी का मेडिकल में हो रहा है। एक रिक्शे वाले का बच्चा है, वो आईआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहा है। एक प्लम्बर का बेटा है, वो आईआईटी के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहा है। इस साल 450 बच्चों का आईआईटी के अंदर एडमिशन हुआ है। आईआईटी के अंदर एडमिशन आसान थोड़ी होता है। 450 के करीब, 425 से 450 बच्चों का नीट के अंदर एडमिशन हुआ है, मेडिकल के अंदर एडमिशन हुआ है। आप सोच के देखो, वो रिक्शा वाला मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमाता होगा। उसके बेटे का आईआईटी में एडमिशन हो गया, बेटा जब निकलेगा उसकी 3-4 लाख रुपए महीने की स्टार्टिंग सैलरी होगी आईआईटी के बाद। उस एक परिवार की तो गरीबी दूर हो गई। अगर हम अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, तो सोच के देखो कि सबकी गरीबी दूर हो सकती है। एक पीढ़ी के, इन वन जनरेशन, इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स हम गरीबी दूर कर सकते हैं। हमारे देश में 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। टोटल पूरे देश में 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आज एक ट्रेंड चल पड़ा है पूरे देश के अंदर, जो बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। एक के बाद एक सरकारें जो हैं, सरकारी स्कूल बंद करती जा रही हैं, सरकारी स्कूल बंद करती जा रही हैं। आपने अगर सरकारी स्कूल बंद कर दिए, एक गरीब आदमी अपने बच्चों को कहाँ भेजेगा? उसके पास तो पैसे नहीं है, वो अगर प्राइवेट स्कूल में भेज नहीं सकता। ये 18 करोड़ बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं आज, उनकी भी कबाड़ खाने से अच्छी हालत नहीं है, फिर भी भेजते हैं, मजबूरी में भेजते हैं। वो भी अगर आप बंद कर दोगे, 18 करोड़ बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे हमारे देश के अंदर। कहाँ का विश्वगुरु, कहाँ का नंबर वन? हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, सर्वश्रेष्ठ बनेगा, विश्वगुरु बनेगा, नंबर वन बनेगा, जब हम अपने हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और दिल्ली में 5 साल में अगर हो सकता है, मुझे लगता है पूरे देश में भी 5 साल के अंदर हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम सारे लग जाएं, सारी सरकारें मिलकर लग जाएं, तो हो सकता है। दिल्ली के अंदर किया, पंजाब के अंदर शुरू कर दिया हम लोगों ने। 100 स्कूल तैयार हो जाएंगे अगले 5-7 महीने, और उसके बाद उसको मॉडल बना के सारे स्कूलों को ठीक करेंगे। अगर आप हमें एक मौका दोगे, तो गुजरात के भी सारे स्कूल शानदार बना देंगे। मैं जानता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं वो सक्षम हैं, उनके पास उतना पैसा, आपके सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे। प्राइवेट स्कूलों को भी ठीक करेंगे, उन्होंने भी गुंडागर्दी मचा रखी है। दिल्ली में उनको फीस नहीं बढ़ाने दी हमने, अभी आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। प्राइवेट स्कूलों ने भी गुंडागर्दी मचा रखी है। दिल्ली में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, हमने प्राइवेट स्कूलों का, आते ही हमारी सरकार ने सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवाया, फाइनेंशियल ऑडिट। प्राइवेट स्कूलों की कानून है, प्राइवेट स्कूल एक तरह से ट्रस्ट होता है। प्राइवेट स्कूल कैन नॉट अर्न प्रॉफिट एंड दे कैन नॉट सेव मनी। आपसे जो फीस लेते हैं, वो फीस बच्चे की पढ़ाई पे खर्च होनी चाहिए, वो उसको सेव नहीं कर सकते। ऑडिट में निकल के आया, कुछ स्कूलों का 50 करोड़ का एफडी बना रखा है, 40 करोड़ का एफडी बना रखा है, 30 30 करोड़ का एफडी बना रखा है। और यहां ज्यादा होगा, यहां तो 27 साल की सरकार है, 30 30 40 40। और वो सबसे नामी स्कूल दिल्ली के, सबसे बड़े स्कूल, उनके एफडी तुड़वा के हमने बच्चों की फीस वापस कराई, लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि स्कूलों ने फीस वापस की। स्कूल तो फीस लेते हैं, स्कूलों ने फीस वापस की। और उसके बाद हमने कानून बना दिया कि सरकार की मर्जी के बिना कोई स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। 2-4 को छोड़ के 7 साल से किसी की फीस नहीं बढ़ी अभी तक दिल्ली के सर प्राइवेट स्कूलों में। तो पहली चीज़ तो ये, प्राइवेट स्कूलों को डिसिप्लिन करेंगे, ठीक करेंगे, किसी को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने देंगे, सबका ऑडिट कराएंगे। दूसरी चीज, मैं आपको एश्योर करता हूं, 5 साल में गुजरात के सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर देंगे, यहां बैठे हुए 70 से 80% लोग अपने बच्चों के नाम प्राइवेट से कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ।
हेल्थ और एजुकेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज इतना महंगा हो गया इलाज कराना, इतना महंगा हो गया इलाज कराना कि आपको छोटी सी बीमारी हो जाए डॉक्टर के पास चले जाओ, 3-4 हज़ार रुपये से कम का तो बिल आता ही नहीं है। और भगवान ना करे अगर बड़ी बीमारी हो जाए तो 8-10 लाख रुपए का बिल आ जाता है किसी भी सामान्य से हॉस्पिटल के अंदर। आदमी तो लुट जाता है, तनख्वाह है नहीं, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है। दिल्ली में हमने सबका इलाज, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, 2 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं, सबका इलाज हमने सारा इलाज मुफ्त कर दिया। कितना भी खर्च आए, अगर आपको छोटा सा बुखार है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गली गली के अंदर, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, डॉक्टर फ्री, टेस्ट फ्री, इलाज फ्री, और शानदार मोहल्ला क्लिनिक है। ऐसा मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक तो एक तरह से सरकारी डिस्पेंसरी हुई, लेकिन ग्रेटर कैलाश जो दिल्ली की सबसे पॉश कॉलोनी है, वहाँ पे 2 मोहल्ला क्लिनिक हैं। एक बार मैं सड़क से गुजर रहा था, सड़क से गुजरते हुए अगर मुख्यमंत्री कह के जाए ना कि आज मैं देखने आऊँगा तो सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर उस विजिट का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सड़क से गुजर रहा था, मैं गाड़ी रोकी, मैं एक मोहल्ला क्लिनिक में घुस गया। वहाँ पे इतने संभ्रांत और इतने अमीर घरों की महिलाएं उस मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने आई हुई थी। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी डॉक्टर बड़ा अच्छा है और सारा इलाज मुफ्त होता है, सब कुछ, सारे टेस्ट मुफ्त होते हैं, सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं, सारा इलाज मुफ्त होता है वहां से। और अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, भगवान ना करे 10 लाख 20 लाख 30 लाख का खर्च आए, वो भी सारा दिल्ली सरकार देती है, सारा इलाज मुफ्त। और सरकारी अस्पतालों को हमने प्राइवेट से भी ज़्यादा अच्छा कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, इसको फ्री की रेवड़ी नहीं कहना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, इंग्लैंड के अंदर सबका इलाज मुफ्त है, सबका इलाज मुफ्त है। 37 कंट्रीज हैं जहां पे शिक्षा, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलती है। अमेरिका में हर बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा का इंतजाम है, इंग्लैंड के अंदर है, जापान के अंदर है। वो लोग अमीर हैं इसलिए शिक्षा मुफ्त नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी इसलिए वो अमीर बने हैं। हम भी अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो अमीर बनेंगे। ऐसे ढेरों देश ऐसे हैं जो अपने सारे नागरिकों को फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। दिल्ली में दी, गुजरात के भी 6.5 करोड़ लोगों के लिए हम मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करेंगे। आपके लिए सरकारी अस्पताल, गांव-गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, शहर-शहर के अंदर, कॉलोनी-कॉलोनी के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। आप कहेंगे पैसा कहाँ से आएगा, पैसे की कमी नहीं है। ये जो हवा बनाते हैं ना, हवा बनाते हैं, लोन लेते हैं, घाटा हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, पैसे नहीं है सरकार के, बहुत पैसे हैं। इनको अपने लिए हवाई जहाज खरीदना हो तो पैसे हैं, इनको अपने लिए बंगला बनाना हो तो पैसे हैं, गाड़ी बड़ी लेनी हो तो पैसे हैं, जनता कुछ भी मांग ले तो पैसे नहीं है। हैं जी, MLA खरीदने के लिए पैसे बहुत हैं। बिल्कुल सही कहा। अभी दिल्ली में इन्होंने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की, हमारे 9 MLA 12 MLA के पास संपर्क किया, उन्होंने हर एक को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए। इनका टारगेट था 40 MLA का, हर एक को बोल रहे थे कि 2-3 और ले आओ, 40 MLA करने हैं। तो एक एक MLA को 20-20 करोड़ ऑफर कर रहे थे, 40 MLA का टारगेट था, तो 800 करोड़ का तो इंतजाम इन्होंने कर रखा था दिल्ली में। कहां से आया ये पैसा, किसका पैसा ये? आप ही का तो पैसा है। तो जब आप कहते हो कि हमें सुविधाएं चाहिए तो कहते पैसा नहीं है, हम MLA नहीं खरीदते, ये हमारे धंधा नहीं है, उनका ही धंधा है। तो हम आपके लिए बिजली फ्री कर देते हैं, शिक्षा फ्री कर देते हैं, हॉस्पिटल फ्री कर देते हैं, दवाइयां फ्री कर देते हैं। तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करने से इतना पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा। और भ्रष्टाचार, आज एक ही पार्टी है पूरे देश के अंदर जो कट्टर ईमानदार पार्टी है। अभी आप लोगों ने सुना होगा पंजाब के अंदर हमारा अपना एक मिनिस्टर, उसकी रिकॉर्डिंग निकल के आई कि वो किसी से पैसे मांग रहा था। भगवंत मान ने आप देखा न ताव, उसने उसको सीधे जेल भेज दिया, हमारे अपने मिनिस्टर को। ये कभी अपने वालों पे कोई एक्शन नहीं लेते, दूसरे वालों पे CBI ED कराते हैं।
हमने पहले अपने वाले को भेजा कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते, हमारा भी कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको जेल भेजेंगे। आज दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर कोई भी काम बिना पैसे के होता है। आपको चाहे लाइसेंस बनवाना है, आपको चाहे राशन कार्ड बनवाना है, आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आपको पानी का कनेक्शन लेना है, आपको पेंशन लगवानी है, कोई भी काम कराना है, आपको कोई किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, बिना पैसे के काम होता है। तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, बहुत पैसा बचेगा। अभी 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है गुजरात के अंदर, 5 साल दे दो, इन 5 साल में पहले दिल्ली पे भी बहुत कर्जा था। आज पिछले साल की सीएजी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली पे अब एक भी पैसे का कर्जा नहीं है और दिल्ली का बजट नफे में आ रहा है, पॉजिटिव बजट आ रहा है। ये फायदा है पढ़ा लिखा आईआईटी के इंजीनियर को सीएम बनाने का। समझ आती है मुझे, फाइनेंस भी समझ आती है, इंजीनियरिंग भी समझ